हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो जीव विज्ञान के मैं अभी आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हिंदी में है, बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, शरीर क्रिया में क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है। तो यह पार्विक अम्ल से क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा में त्वचीय ढकी होती है। तो यह श्लेष्म से ढकी होती है इसकी त्वचा। मरुस्थलीय स्तनधारियों की ब्रिक नलिकाओं में हेनले लूप लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का नियंत्रण निम्न में किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन और थायरॉक्सिन, सभी के द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का नियंत्रण होता है। रतौंधी होती है तो यह विटामिन ए की कमी से होती है। दूध की प्रोटीन पर क्रिया करने वाली गैस्ट्रिक एंजाइम है तो यह रेनिन होता है। समुद्री टेलीओस्ट मीनों में सोडियम प्लस तथा कैल्शियम सोडियम तथा क्लोराइड आयन का उत्सर्जन होता है तो यह गीलों के द्वारा होता है। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को एल्वियोलाई कहते हैं। नेक्स्ट, वेल में श्वसन अंग होते हैं तो यह फेफड़े होता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बन सकते हैं? तो इसका आंसर होता है 4। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो यह विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं तो तिलचट्टे में नहीं होती हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, बाकी सभी में होते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप के नियंत्रण करने का केंद्रक होता है? तो वह होता है हाइपोथैलेमस के पास। स्तनियों के मस्तिष्क में जीनु का स्प्लीनियम जुड़े होते हैं तो वह सेरिब्रम से होता है। खरगोश का कोटाई अंग ध्वनि आवेगों को किस कपाल तंत्रिका द्वारा प्रमस्तिष्क में भेजता है? तो यह 8वीं प्रमस्तिष्क में भेजता है। त्रिबिम दृष्टि स्टेयर स्कोपिक विजन पाई जाती है तो यह मेढक में किस कशेरुक का केंद्रक असिलस है? तो वह 9वें कशेरुक मतलब वर्टिब्रा। नेक्स्ट, हमारे निचले जबड़े में अस्थियों की संख्या, तो निचले जबड़े में 2 अस्थि होते हैं। खरगोश में कोहनी संधि किस प्रकार की होती है? तो यह कीलक प्रकार की होती है। सबसे कम समय वाला मांकुचन किस पेशी में होता है? तो यह पलकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नख खुर तथा श्रृंग उदाहरण है तो एपिडर्मल ऊतक के। ये नख और जो गायों बैलों में खुर पाया जाता है ये सब एपिडर्मल ऊतक होते हैं। हैसल कॉर्पुसलन भक्षक रचनाएं होती हैं जो पाई जाती हैं थाइमस ग्रंथि में। त्वचा की क्षति पर होने में निम्न कौन सी एपिथेलियल कोशिकाएं मरम्मत करती हैं? तो यह स्तंभी कोशिकाएं मरम्मत करती है। एडिनोकार्डिया ट्रोफिक हार्मोन्स का स्त्राव करती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका करती है। नेक्स्ट, पित्ताशय के संकुचन के उद्दीपन से हेतु कौन सा हार्मोन्स है? तो यहाँ CCK PK इसका पित्ताशय के संकुचन के उद्दीपन हेतु हार्मोन्स होता है। काफ़ी भोजन के पश्चात किसके श्रावण की संभावना है? तो यह इंसुलिन की श्रावण की संभावनाएं होती हैं। नर सेक्स हार्मोन्स टेस्टेरॉन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो यह लीडिंग कोशिकाओं से होता है। गेस्टुलेशंस के फलस्वरूप निर्माण होता है तो आद्यांत्र का निर्माण होता है। मेढक के टेडपोल की आंत होती है तो यह कुंडलित प्रकार की इसकी आंत होती है। ऑर्केन्ट्रोन पाई जाती है तो गेस्टुला में यह पाई जाती है। मकड़ी तिलचट्टे तथा कान खुजरे में सामान्य रचना होती है तो यह संधिपाद की सामान्य रचना होती है। किस जंतु की युवा एवं वयस्क प्रावस्थाओं में चनांग समान होते हैं? तो यह पिस्सू में।
जोक लीच में शरीर के खंडों की संख्या तो यह 33 होता है। पैक्टन एवं द्वि कुपाटीय प्राणी है, इसका सामान्य नाम है स्केलोलोप। समरूप अंग होते हैं तो यह कार्य के में समान होते हैं, उसे समरूप अंग कहते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने डी ब्रिज ने यह उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। अपने पूर्वजों की उपेक्षा जिराफ की गर्दन लंबी होती है, यह एक कारण होती है कि जाति उद्भवन का यह कारण होती है। किसके जीवाश्म सुगमता से बनते हैं तो आंत के। नेक्स्ट है पिथोन्थिपस इरेक्टस का कपाल पाया जाता है तो वह जावा में। क्लिनफेक्टल्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। एक वयस्क मनुष्य में केसाओं पाई जाती है, केसाएँ पाई जाती हैं लगभग 60 ट्रिलियन। भारत में एड्स के रोग का पता चला तो 1986 में पता चला, और सबसे पहले तमिलनाडु में यह केस पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीरियोबियासिस रोग का लक्षण है तो यह सूत्र कृमि का रोग है। फिल रोग एफिफेंटाइसिस का रोगाणु है तो यह टिनिया के द्वारा होता है। मलेरिया दिवस है तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों मलेरिया दिवस, किंतु यहाँ जो 20 अगस्त है वो भी मॉस्किटो डे होता है, इस कारण से मलेरिया डे भी 20 अगस्त को मनाया जा सकता है क्योंकि मॉस्किटो मच्छर के काटने से ही होता है। नेक्स्ट एक सिगार या 20 सिगरेट की तंबाकू में निकोटिन होता है लगभग, तो यह होता है 0.07 ग्राम्स। एक श्रमिक मधुमक्खी द्वारा मधु के स्रोत की रचना अन्य मधुमक्खियों को नाच के जरिए देने में किस प्रकार के दीपन का कार्य करता है, तो यह दृष्टि का दीपन का कार्य करता है। कौन सा कीटनाशक बंद स्थानों के लिए उपयोगी होता है, तो धूमक कीटनाशक। निम्न में कौन सा सीधा प्रभावी कारक है, तो यह तापमान होता है। कौन सा प्राणी हाल में ही लुप्त हुआ है, तो यह है डोडो। तो इस तरीके से दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जीव विज्ञान से रिलेटेड, अभी इसका और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।